हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो, हाय। मे बी मेरी आवाज़ क्लियर होगी और आपको क्लियरली सब कुछ दिख रहा होगा। चलिए, मैं फैन ऑफ कर देती हूँ। हाय, नमस्ते। सबसे पहले मैं अभिषेक सर, अमूल टीम, पूरी अमूल टीम, अभिषेक सर, फूड बैग टीम, फूड बैग एडमिन्स, जोशी सर, सनी सर, भावना मैम, सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड मैं ग्वालियर से हूँ और मैं बेसिकली डेंटिस्ट हूँ और एक होम शेफ हूँ। और आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो बनाने जा रहे हैं फेटा चीज़ अमूल का आने लगा है, तो वो फेटा चीज़ खोया मोदक, क्योंकि अभी आपकी गणेश चतुर्थी आने वाली है तो ये बेसिकली उसके लिए बना रही हूँ। तो होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आए। और जो हम मोदक बना रहे हैं वो हम आटे और रवा का बना रहे हैं, मैदे का नहीं बना रहे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो रेसिपी के लिए बेसिकली जो इंग्रेडिएंट हैं वो देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद आगे का हम शुरू करते हैं। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं बाद में रिप्लाई दे दूंगी अगर मिस हो जाए तो। वो है, सबसे पहले हमारा ये चीज़ आने लगा है अमूल का। ये अमूल का चीज़ है जो हम इस बार के मोदक में यूज़ कर रहे हैं। तो हम चीज़ डालेंगे और खोया, अमूल का मिल्क जो आपका मिठाई मीट होता है वो, आटा, रवा, आपके आलमंड फ्लेक्स, पिस्ता फ्लेक्स और घी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना जो फिलिंग है वो बनाते हैं। पहले सबसे पहले हम आटा मार के रख देते हैं तो वो रेस्ट हो जाएगा 5 to 10 मिनट्स, तब तक हम मावा फिलिंग कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने ये अपना आटा लिया है। आटा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1 कप। उसका जस्ट हाफ हमने रवा लिया है, आधा रवा। और जो हम इसमें मोदक, हम बिना मोल्ड या किसी से भी बनाएंगे, घी डालेंगे। घी हम 2 TBSP डाल देंगे और सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। आटे के साथ हम रवा जब यूज करते हैं तो रवे से ये होता है कि क्रिस्पीनेस अच्छी आती है, तो इसलिए हम आटे के साथ रवा यूज कर रहे हैं। ये देखिए हमारा, हम इसकी डो बनाते हैं। हम इसको अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद हम वाटर ऐड करेंगे। हेलो जोशी सर, थैंक यू सर। तो जब जब हम मुट्ठी बांधे और ये अच्छे से बाइंड हो जाए तो इसका मतलब हमने जो मोइन देते हैं जो घी से, वो अच्छे से दिया है। और मोइन हम इसलिए देते हैं कि जिससे हमारी जो हम गुजिया या मोदक कुछ भी बनाए उससे क्रिस्पीनेस अच्छी आती है। ठीक है, अब हम इसको पानी के साथ मिलके मार लेंगे। मेरी वॉइस क्लियर होगी?
फेटा चीज मावा मोदक, क्योंकि गणेश चतुर्थी आएगी उसके हिसाब से मोदक बना रहे हैं और चीज और मावा यूज कर रहा है इसमें। ये देखिए आटा हमें ऐसा मारना है जो हमारा पूड़ी का आटा जैसा होता है वैसा हमें आटा मारना है, पूड़ी के आटे जैसा। जब ये मर जाएगा उसके बाद हम फिलिंग बनाएंगे और उसको हम ढक के रख देंगे। हेलो, ये देखिए ये हमारा आटा मर गया है। थोड़ा सा ज्यादा हार्ड है तो हम इसको थोड़ा सा मुलायम कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। ये आटे, ये आपका रवा का और आटे के मोदक बना रहे हैं, मैदे के नहीं बना रहे हैं। ये हमारा बन गया है, अब इसको हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं, तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। चलिए, आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज क्लियर कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर दीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें खोआ डालेंगे, खोए को पकाएंगे। लास्ट में जब हम गैस बंद करने के बाद इसमें चीज ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम में रखेंगे। ये काफी टेस्टी लग रहा था जब मैंने कल बनाया, मुझे ये नहीं पता था कि चीज का टेस्ट इतना अच्छा भी लग सकता है मोदक में। ये हम लो फ्लेम में पकाएंगे। और जो हमारा चीज है उसको हम क्रम्बल कर लेंगे। ये देखिए हमारा जब खोआ पक जाएगा, प्रोपोर्शन खोए और चीज का 1:2 का रखना है। अगर आपने सपोज करो 4 TBSP अगर आपने खोआ लिया है तो 2 TBSP आप चीज लोगे। इसमें थोड़ी शुगर ज्यादा रहेगी क्योंकि चीज थोड़ा सॉल्टी होता है। पिस्ता फ्लेक्स, आलमंड फ्लेक मिक्स कर देंगे। फिर इसमें हम कंडेंस मिल्क डालेंगे। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, पर आप नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा डालिएगा क्योंकि चीज जो होता है वो सॉल्टी होता है थोड़ा सा। इस कारण से इसमें जो आप भी शुगर ऐड ऑन करें थोड़ा ज्यादा ऐड ऑन करिए। वरना आपको मतलब मोदक थोड़ा स्वीट में होता है तो आपको वो स्वीटनेस अच्छे से नहीं आएगी अगर आप ज्यादा ऐड नहीं करेंगे। ये हमने मिठाई में डाला है। ये हमें तब तक पकाना है हमारे खोए को जब तक एक बाइंड नहीं बन जाए, वरना अगर ये लिक्विड रहेगा और हमारा जो डो रहेगा उसमें ये चिपकेगा तो टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
इसलिए हमें तब तक पकाना है जब तक इसका डो नहीं बन जाए। या आप बोल सकते हैं कि जब तक ये खोआ घी अपना खुद का घी ना छोड़ दे, इसलिए हम इसमें घी नहीं डालते खोआ पकाने में, क्योंकि खोए खुद अपना घी छोड़ता है पकने के बाद। लास्ट में हमने क्रम्बल किया हुआ हमारा जो चीज है वो ऐड कर देंगे। रेशियो 1:2 रहना चाहिए। अगर 4 TBSP आपका खोआ है तो 2 TBSP आपका चीज होना चाहिए। और इसको हमें बंद कर देना है क्योंकि चीज अपना मेल्ट होने लगेगा। हमने इसमें इसलिए डाला है कि चीज अच्छे से खोए के साथ मिक्स हो जाए, और बंद करके इसलिए डाला है कि बर्न होने के चांसेस कम हो। ये देखिए हमारा खोआ तैयार है, ये गरम है, मैंने तैयार करा हुआ खोआ रखा हुआ है। ये मैंने तैयार किया हुआ है जो कि ठंडा है, और चीज अगर डालते हैं और अगर वो चिपकने लगते हैं तो वो फट जाती है। मोदक हुआ, गुजिया हुई, कुछ भी फट सकता है। अब हम यहाँ पे अपना घी गर्म होने रखते हैं। फिर अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डो को हाथ से ही रोल करेंगे, क्योंकि मैं मोदक के मोल्ड यूज नहीं कर रही हूं। सो हमारा ये यहाँ पे है, ये मैं लो फ्लेम में घी गरम कर रही हूं। होप विजिबल होगा सबको। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा घी हाथ में ले लेती हूँ जिससे हाथ में चिपक कर वो फटे नहीं। इसको थोड़ा जो हमारा आटा है उसमें रोल कर लेती हूँ, और फिर इसको हम हाथ से ही दबाएंगे। ये देखिए बीच में हमें गोला बनाना है जिससे हम अपनी फिलिंग रख सकें, और साइड में अच्छे से प्रेस करना है कि जिससे ये फटे नहीं। ये देखिए अब जो बीच में हम इसमें इसकी फिलिंग करेंगे ऐसे, अब इसको साइड में से नुकीला नुकीला मतलब इसको पॉइंटेड कर देंगे, जिससे हम उसको, क्योंकि मोदक फॉर्म देना है तो जैसे हम मोदक फॉर्म करना है तो बीच में फिलिंग होती है, और साइड में हम इसको रोल कर देते हैं क्योंकि हम मोल्ड यूज नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद इसको ऊपर से फोल्ड कर देना है। ये देखिए थोड़ा सा घी लगा लीजिए जिससे जो अगर थोड़ा सा सूखापन अगर आ रहा हो तो वो ना आए। और जब हम इसको सेकने डालेंगे तो हमें लो फ्लेम में ही सेकना है। अगर हम हाई फ्लेम करेंगे तो कभी कभी फटने का डर ज्यादा होता है और मोदक पूरा फट जाता है। ये दे दीजिए, ये हमने थोड़ा सा रोल दे दिया।
ये हमारा मोदक तैयार है। अब इसको मैं सिकने डालूंगी, एक और बना लेती हूँ। सेम प्रोसेस करना है, पहले थोड़ा सा घी ले लीजिए हाथ में। जो हमारा डो है उसको थोड़ा सा हमें रोल करना है आटे में, जिससे फटे नहीं, क्योंकि हम हाथ से बना रहे हैं। आप रोलिंग पे बेलन में भी करके आप तैयार कर सकते हो। साइड से अच्छे से प्रेस करना है, जिससे क्रैक्स नहीं है। और अगर क्रैक्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा घी अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये ड्राई हो जाता है। तो हमें ये भी याद रखना है कि ये ड्राई नहीं हो, क्योंकि हमने सूजी यूज करी है। सूजी से हमेशा जो हमारा डो रहता है वो जल्दी ड्राई होता है। आप मैदा भी यूज कर सकते हो, हाफ हाफ ले सकते हो, आटा और मैदा, सूजी अगर आपको स्किप करनी है। सो ये हो गया, अब इसकी फिलिंग कर देते हैं। और इसको रोल कर देते हैं। इसको बीच में करते हैं और इसको ऊपर से फोल्ड कर देते हैं। अपन को नीचे से भी इक्वल प्रेस करना है। अगर हम इक्वल प्रेस करेंगे तो नीचे से भी नहीं फटेगा, जो फिलिंग निकल आती है बाहर, और ऊपर से भी सही रहेगा। होप आपको रेसिपी मेरी अच्छी लग रही होगी। और एक प्रॉपर शेप आएगा, अगर हम नीचे से भी प्रेस इक्वल करेंगे ऊपर से भी, तो एक शेप अच्छा आ जाएगा। ये देखिए, अब इसको हम सेक लेते हैं। इसको घी गरम हो गया है, एक अगर आपको चेक करना है तो आप थोड़ा सा डाल के चेक कर सकते हैं। ये अपने आप ऊपर आ जाता है, डो ऊपर आता है सिकने के बाद, तो मतलब आपका जो घी है वो अच्छे से गरम हो चुका है। तो हमारा जो घी है वो गरम हो चुका है, जो हमने डाला था वो डो का निकाल लिया है, और इसको मैं डाल देती हूँ और ऊपर से घी को ऐसे कर देती हूँ, जिससे वो सारी साइड से पक जाए। मैंने बहुत ज्यादा फिल इसलिए नहीं करा, अगर हम ज्यादा फिल कर लेते हैं एक कढ़ाई और फिर डालते हैं तो कभी कभी फटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इस कारण से मैं अलग से ऊपर से उसको डाल रही हूँ, घी को मोदक के ऊपर, और फिर उसको सेक रही हूँ। ये देखिए, जब ये थोड़ा सा सिक जाए, अपन को लगे ये हल्का ब्राउन होने लगा है, तो आप तो लो फ्लेम से मीडियम फ्लेम कर सकते हैं। बट ये याद रखिएगा, हाई फ्लेम नहीं करना है, क्योंकि अंदर चीज भी है, तो अगर चीज में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो मेल्ट होके फटने लगेगा। तो हमें सब चीजें ध्यान रखते हुए इस मोदक को सेकना है। लो फ्लेम में फ्लेम कम लगेगी, तो बाहर की कवरिंग ज्यादा सिकेगी, अंदर इतना ज्यादा हीट का इफेक्ट नहीं होगा, खोआ ऑलरेडी सिका हुआ है इसलिए। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सिकने लगा है। सो मैं क्या करूंगी, अब मीडियम फ्लेम कर दूंगी। होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो। इसको मैं पका लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ, तब तक तैयारी कर लेती हूँ। मेरी रेसिपी पसंद आई हो।
ये देखिए, अब इसको मैं ऊपर से कर देती हूँ, टर्न कर देती हूँ। आप देखिए ये फटा भी नहीं है और अच्छे से सिक भी रहा है, जबकि इसके अंदर चीज की फिलिंग है और चीज है इसके अंदर, तब भी ये फटा नहीं है। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू सर। एंड रवा है, हमने मोइन अच्छे से दिया है तो ये बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं, आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा और डिफरेंट भी लगेगा। मैंने एक मोदक बच गया था वो तैयार करके रखा था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जब सिक जाता है तो ये ऐसा दिखता है, एंड मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये मैंने एक बचाया था, ये देखिए, ये इसके अंदर की फिलिंग, ये टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है। रेसिपी कमेंट सेक्शन में शेयर हो जाएगी। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ये ब्राउन होने तक सेकना है। अभी ये देखिए इसका चेंज होने लगा कलर, ये ब्राउन होने तक सेकना है। होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, एंड ये रहा इसका प्रेजेंटेशन। देखिए हमारा मोदक है, सिकने के बाद की फोटो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। होप आपको रेसिपी मेरी पसंद आई हो मोदक की, आप जरूर ट्राई करिएगा इस गणेश चतुर्थी पे, फेटा चीज मावा मोदक। थैंक यू सो मच। हेलो साउ शुभ्रशी मैम, थैंक यू सो मच।